थाना क्षेत्र पटियाली में सर एक घटना हुई है, क्या है सर ये पूरा मामला? आज दिनांक 17/5/23 में सुबह थाना क्षेत्र पटियाली में एक व्यक्ति ने आकर सूचना दी कि उसकी पुत्री के ऊपर गांव के ही सजातीय नीरज नाम के व्यक्ति के द्वारा पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी गई है। इस जानकारी पर हमारे थाना पटियाली की टीम उसके साथ साथ क्षेत्राधिकारी पटियाली मौके पर जाकर के मौका मुआयना किए हैं, उसके साथ साथ अन्य जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। लड़की को वास्तविक इलाज मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया जहां वह इलाजरत है। इसके संबंध में अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, साथ ही तहरीर प्राप्त कर इस पर अपराध पंजीकृत करते हुए विवेचनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रथम दृष्टया जो जानकारी मिली है यह नज़दीकी संबंधों की बात आ रही है, फिर भी इसके बारे में अन्य जानकारी हम लोग प्राप्त कर रहे हैं जिसे अवगत कर। क्या नाम है आपका? गिरजा सर। आप अस्पताल पर आई हुई हो, क्या मामला है, क्या कारण है? हमारी लड़की बोल। हमारी लड़की गई थी शादी में। कब हो गए? 10 दिन हो गए। तो क्या हुआ था? हाँ, तो वहाँ हमने लड़का देखा, बातचीत करी शादी के मामले में, तो हमें पता नहीं थी वो लड़के से मैटर चल रहा था। अपने पड़ोस के ही है, वो कह रही थी मैं उसके साथ शादी करेंगे। हमने कि वहाँ शादी नहीं करेंगे, मोहल्ला पड़ोस के कह रहे थे उसके साथ शादी करोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, बंगी बने बैठे रहोगे। तो हमने मना कर दिया। वो लड़के ने रात में बुलाया 12 बजे। कब बुलाया था? आज की रात। फिर क्या हुआ? रात में बुला के 12 बजे 4 बजे उसमें मतलब तेल छिड़क के आँच लगा दी। आप लोगों का पता चला था? हमारे पास, हम तो लेटे थे, हमारे पास भाग के आई और लेट गई आके। फिर क्या हुआ था? उसके बाद फिर हम यहाँ ले आए हॉस्पिटल में। तो जहाँ डॉक्टर ने क्या कहा है, क्या कह रहे हैं डॉक्टर? थाने गांव के रहने वाली हैं आप। और लड़के का नाम क्या है? नीरज। उसके पिता का नाम? राधे श्याम। आपकी बेटी का क्या नाम है? रोशनी। उसके पिता का नाम? ओमकार। कहाँ के निवासी हैं? थाने गांव के। आपने पुलिस से कंप्लेंट की? अभी तो नहीं करी। कोई प्रार्थना पत्र? अभी कुछ नहीं दिया है। अभी